डेटा जर्नलिज्म का प्रोसेस इंतहाई सादा है, बल्कि मुझे लगता है कि जब मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा तो शायद आप मेरा मजाक उड़ाएं या मुझ पर हंसें कि ये क्या बात कर रहा है, शायद हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, डेटा जर्नलिज्म का प्रोसेस वाकई बहुत आसान है और आप देखिएगा कि इसकी आम रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्टिंग के लिए हम जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, उससे इसकी मुमासलत बहुत ज़्यादा है। और इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो फ़र्क हो रही हैं, जिनकी वजह डेटा का इस्तेमाल है। तो डेटा जर्नलिज्म के प्रोसेस को हम चार मरहलों में तकसीम करते हैं। उसमें सबसे पहला मरहला डेटा का हसूल है या डेटा इकट्ठा करना है, इसे हम डेटा कलेक्शन भी कहते हैं। दूसरे मरहले में हम डेटा की तफ्तीश करते हैं, आप इसको डेटा की इंटरोगेशन कह सकते हैं, डेटा का इंटरव्यू कह सकते हैं। इसी मरहले में हम डेटा का तज्जिया या एनालिसिस भी शामिल करते हैं। इसके बाद तीसरे मरहले में हम डेटा से जन्म लेने वाले सवालात पर रिपोर्टिंग करते हैं। फाइनली चौथा मरहला डेटा की पेशकश या इसकी विजुअलाइजेशन का है। तो मैं दोहराता चलूं कि डेटा जर्नलिज्म के प्रोसेस के चार मरहले हैं। पहले में हम डेटा इकट्ठा करते हैं या डेटा कलेक्शन, दूसरे में हम डेटा से कुछ सवालात पूछते हैं या डेटा की इंटरोगेशन, तीसरे में हम डेटा की मदद से अपनी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाते हैं या डेटा पे रिपोर्टिंग, और चौथे मरहले में हम डेटा की पेशकश के बारे में सोचते हैं या डेटा विजुअलाइजेशन। इस पहले हफ्ते में अगली वीडियो में मैं डेटा को ढूंढने, डेटा की खोज लगाने, डेटा इकट्ठा करने की मुख्तलिफ तरीके आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरे और चौथे हफ्ते में हम डेटा की तफ्तीश, उसका तज्जिया, ये सब करना सीखेंगे। इस पूरे कोर्स के दौरान मैं बार बार डेटा की मदद से रिपोर्टिंग करना और डेटा को अपनी रिपोर्टिंग में शामिल करना, इसके तरीके आपके साथ शेयर करता रहूँगा। पांचवें हफ्ते में हम बाकायदा तौर पर डेटा की विजुअलाइजेशंस बनाना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन चारों मरहलों का थोड़ा सा तारुफ या ओवरव्यू पेश करूँगा। डेटा कलेक्शन की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। रिपोर्टर्स जब किसी डेटा स्टोरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आमतौर पर उस स्टोरी का ताल्लुक उनकी बीट से ही होता है, और बीट रिपोर्टर्स चूंकि एक ही महकमे को या एक ही इशू को बहुत अरसे तक कवर करते आ रहे होते हैं, लिहाजा उनकी बहुत सारी सोर्सेज उस महकमे के अंदर या उस डिसिप्लिन के अंदर मौजूद होती हैं। तो बीट रिपोर्टर्स के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो इस बात की निशानदेही कर लें कि उनकी बीच के ऊपर जो भी महकमा है या जो भी एरिया है, उसमें आमतौर पे डेटा कौन जनरेट करता है, कौन डेटा की को कंपाइल करता है या रिकॉर्ड करता है, और कौन से ऐसे सेक्शन या इदारे या अफसरान हैं जो डेटा की देखभाल करते हैं। इनके साथ आपका अच्छा ताल्लुक वास्ता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे क्राइम रिपोर्टर्स को अंदाज़ा होगा कि किसी भी पुलिस थाने में एक मुहर्रर होता है जिसका काम पुलिस केसेस का इंदराज होता है, और आमतौर पर ये मुहर्रर उस थाने की मालूमात पुलिस हेडक्वार्टर्स भेजता है। पुलिस हेडक्वार्टर्स में आमतौर पर एसएसपी ऑपरेशंस के दफ्तर में कोई क्लर्क इस मालूमात को इकट्ठा करता है और या तो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को शेयर कर देता है या फिर पुलिस महकमे के अंदर ही वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल जो लीगल अफेयर्स के साथ डील कर रहा हो या आईटी के साथ डील कर रहा हो उनके साथ शेयर कर देता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी महकमे के अंदर कि कौन लोग हैं जो डेटा की देखभाल कर रहे हैं, और इनसे डेटा निकालना या डेटा हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे इस कोर्स में सब शुरका बीट रिपोर्टर्स नहीं हैं, कुछ एडिटर्स या प्रोड्यूसर्स हैं, इसके अलावा कुछ जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे शुरका भी हैं जो सहाफ़ी नहीं हैं लेकिन डेटा जर्नलिज्म या सहाफत सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि आप जब भी किसी स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये निशानदेही करनी है कि आपको किस किस्म का डेटा चाहिए, और उसके बाद हम सबसे पहले ऑनलाइन डेटा ढूंढने से आगाज़ करते हैं। क्या इस किस्म का डेटा किसी भी महकमे ने या इदारे ने, ख्वाह वो सरकारी हो या गैर सरकारी, इंटरनेट के ऊपर पब्लिश किया है।
अगर तो हाँ तो हम वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम पिछली खबरें पढ़ के यानी और खबर रसादारों ने इसके ऊपर कुछ काम किया है तो उनकी खबरें पढ़ के हम रिसर्च करके ये पता चला सकते हैं कि आम तौर पर ये डेटा कहाँ से आता है और फिर हम उस ओरिजिनल सोर्स से हम रابطہ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और ज़राए हैं जिनका मैं अगली वीडियो में तफसीली तस्करा करूँगा, इसलिए आप इसके बारे में परेशान मत होइएगा। अक्सर हमें ये पता चल जाता है कि डेटा कहीं मौजूद है लेकिन उसको हासिल करना मुश्किल होता है, तो इस पे हम डिस्कशन फोरम्स के अंदर भी तफसीली बात करेंगे कि क्या रिपोर्टिंग के ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप सोर्स का ट्रस्ट हासिल कर सकते हैं या सोर्स को अपने बारे में यकीन दिला सकते हैं कि आप उस डेटा का सही इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से जो खबरें करेंगे वो वाकई आवामी मफाद में होंगी। दूसरे मरहले में जब मैंने कहा कि हम डेटा की तफ्तीश या इंटेरोगेशन करते हैं तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हम सबसे पहले ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि डेटा में कोई गलतियां तो नहीं हैं। डेटा में अक्सर गलतियां होती हैं क्योंकि इसका इंतराज कुछ इंसान कर रहे होते हैं और उसमें गलती की गुंजाइश होती है। बाज़ औक़ात ये गलतियाँ कॉन्टेक्स्ट की हो सकती हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि डेटा का कुछ ख़ास मतलब है और हम कुछ और मतलब अख़ज़ कर लेते हैं, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि डेटा को गलतियों से पाक कर लिया जाए, वरना जब हम एनालिसिस या तज़िया करेंगे तो ये गलतियाँ उसमें भी चली जाएंगी और फिर हमारी फाइंडिंग्स जो हैं वो गलत हो सकती हैं। सो डेटा को साफ़ करने का क्या तरीका होता है, इसको गलतियों से पाक करने का क्या तरीका होता है, ये हम तीसरे हफ्ते में तफसीली तौर पर इसका जायज़ा लेंगे। इसके बाद हम डेटा से उसी तरह सवाल और जवाब करते हैं जैसे हम किसी इंसानी सोर्स से सवाल और जवाब करें, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें इन मालूमात में छुपी होती हैं। सो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस डेटा का मतलब क्या है, ये किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन चीज़ों से हमें अपनी कहानी की डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि ये कहानी या ये डेटा स्टोरी का असल मकसद क्या है। तीसरा मरहला जैसे मैंने पहले कहा डेटा की मदद से रिपोर्टिंग करना, मेरे नज़दीक ये सबसे अहम मरहला है और अक्सर मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी डेटा एनालिसिस करना सीख गए हुए हैं वो सिर्फ कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका तज़िया करते हैं और फिर उस तज़िये से जो भी मालूमात मिल रही होती हैं सिर्फ उसी को अपनी कहानी में शामिल कर देते हैं। तो अगर आप उनकी ये खबरें पढ़ें तो आपको लाइन के बाद लाइन और पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ वो डेटा की फाइंडिंग्स और नंबर्स ही बार बार आपको नज़र आते हैं, आपको असल में उस कहानी का कोई मतलब नज़र नहीं आता। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी और मैं इस कोर्स में बार बार इस चीज़ पर इसरार करता रहूँगा कि आप जब भी डेटा जर्नलिज्म को इस्तेमाल करें तो अपने आप को डेटा एनालिस्ट मत समझिए, आप सबसे पहले सहाफ़ी हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे सहाफ़ी बने जो डेटा एनालिसिस भी कर सकते हों, लेकिन आपकी सहाफ़त और आपकी सहाफ़त की वैल्यूज़, उसके असूल और उसकी एक न्यू सेंस ये सबसे ज़्यादा अहम है। इस हवाले से मैं अक्सर एक मिसाल अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ और वो ये कि डेटा पे काम करते हुए आप हमेशा ये जहन में रखिए या ये सोचिए कि ये डेटा कैसे जनरेट हुआ, ये डेटा कैसे पैदा हुआ। तो मिसाल के तौर पर आजकल मेरी टीम कुछ डेटा के साथ काम कर रही है जो हमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से हासिल हुआ और इस डेटा सेट में पेशावर में पिछले 5 साल होने वाले तमाम कत्ल के केसेस की कुछ तफसील मौजूद है। अब मेरे पास तो ये एक डेटा की एक फ़ाइल है जिसमें मुख्तलिफ मालूमात दर्ज है, लेकिन अगर मैं इस पर गौर करूँ तो इन्फॉर्मेशन का हर एक हिस्सा दरअसल एक कत्ल केस है, कोई इंसान है जिसको कत्ल किया गया और उसके कातिल ने ये कत्ल क्यों किया या वो कातिल को क्या सज़ा हुई या वो मक्तूल कौन था, ये सब इंसानी कहानियाँ हैं। लिहाजा आप जब भी किसी डेटा स्टोरी पे काम कर रहे हो तो आपको ये इंसानी पहलू मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहानियों की 101 मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पर अगर वो ह्यूमन एलिमेंट या इंसानी अंसर उसमें शामिल ना हो तो वो कहानी किसी काम की नहीं है। आप
स्कूलों के हवाले से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको महकमा तालीम से ऐसा डेटा मौसूल होता है जिसमें ये बताया गया है कि कितने प्राइमरी स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री वॉल्स नहीं हैं या जहाँ पर पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है, और इसमें आपकी हेडलाइन निकल आती है, इसमें आपकी खबर का इंट्रो निकल आता है। लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि तज्जिया करने के बाद आप इन स्कूलों का विज़िट करें और वहाँ पर असातज़ा और तलबा से बात करें और देखें कि इन बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से उनकी तालीम पर या उनकी तदरीस पर क्या असर पड़ रहा है। तो जब भी आप डेटा के साथ काम करें तो उसमें ये रिपोर्टिंग जिसमें आपको फील्ड में जाके काम करना है या लोगों से फ़ोन के ऊपर बात करनी है इंसानी सोर्सेज से, इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। हमेशा ये सोचिए कि इस मसले का जिस मसले के हवाले से मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके हवाले से कौन लोग हैं जो मुतासर हो रहे हैं, यानी या कौन लोग हैं जो इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। सो जब तक आप ये जहन में रखेंगे, आपके नज़दीक स्टोरी की अहमियत सबसे ज़्यादा नुमाया होगी और कोई भी अच्छी खबर, म्यारी खबर तभी होती है जब पढ़ने वालों को ये अंदाज़ा हो रहा हो कि इस खबर का मकसद क्या है और इसकी इंसानों के लिए या माशरे के लिए अहमियत क्या है। हमने पिछली वीडियो में जब म्यारी डिजिटल स्टोरीज़ की बात की तो हमने कहा ये वो स्टोरीज़ हैं जो मालूमात में इनफरादियत लेकर आती हैं, ऐसी मालूमात जो पहले लोगों को जिसका इल्म ना हो वो मुहैया करती हैं और पेचीदा मसाइल को आसान बनाती हैं। ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक आप इंसानों से बात नहीं करेंगे। डेटा जर्नलिज्म के एक्सपर्ट्स और ऐसे सहाफ़ी जो इस पर मुकम्मल अबूर रखते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि आप पहले दिन से ही, जिस दिन आप एनालिसिस का आगाज़ करें उसी दिन से आप माहरीन से और मुतासर अफराद से बात करने का आगाज़ कर दें, क्योंकि ये आपको तज्जिए में भी मदद करेगा। सो ये जो तीसरा मरहला है रिपोर्टिंग का, इस पर मैं बहुत इसरार करूँगा कि आप इस पर बहुत ज़ोर दें। फाइनली चौथा मरहला विजुअलाइजेशन या पेशकश है। ये मुख्तलिफ तरीके से होती है। इसमें दरअसल हम तस्वीर के ज़रिए डेटा जो है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको देखकर अंदाज़ा हो जाए कि इस डेटा का मतलब क्या है या इसमें क्या मालूमात बताई जा रही है। तो इसकी अज्ञान बहुत सारी अकसाम हैं। जो ज़्यादा रिवायती अकसाम हैं डेटा विजुअलाइजेशन की, उसमें चार्ट्स यानी बार चार्ट्स या पाई चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कई साल की इंफॉर्मेशन है तो लाइन चार्ट्स या ट्रेंड लाइंस इस्तेमाल होती हैं, और आजकल नक्शे बनाने या मैपिंग का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें इसको करने के लिए अब जो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं वो नहायत आसान हो गए हैं। तो पाँचवें हफ्ते में हम ये चार्ट्स बनाना और मैपिंग करना सीखेंगे और इनको इंटरैक्टिव बनाना कि लोग इनके साथ इन पर क्लिक कर सकें और मज़ीद मालूमात जान सकें, ये भी हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। डेटा जर्नलिज्म का प्रोसेस दोहराता चलूँ, चार मरहलों पर मुश्तमिल है। डेटा इकट्ठा करना, डेटा से कुछ सवाल पूछना, डेटा की बुनियाद पर रिपोर्टिंग करना जिसमें इंसानी पहलू को मद्देनज़र रखना, और फाइनली डेटा को पेश करना या उसकी विजुअलाइजेशन बनाना। शुक्रिया।